नमस्कार, मैं दीपक भाटी चोटीवाला भारतीय युवा कांग्रेस से। साथियों, बेहद विचित्र विषय है और बेहद शर्मनाक बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी पदेन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग, पूरा देश हमारे साथ बेरोजगारी दिवस मना रहा है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे मना रहा है। तो अपने आप में बेहद शर्मनाक और विचित्र बात है। शर्मनाक और विचित्र बात इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा नहीं होता है, वो पूरे देश के लिए होता है। और हम इसको, इस बात को मानते हैं, हम कांग्रेसी लोग, हम युवा कांग्रेस के लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई भी एक ऐसा काम किया है जो नौजवानों के, बेरोजगारों के हित में हो? हमेशा उनका जो भी कदम रहा इस देश की इकोनॉमी को गर्त में धकेलने के लिए रहा, इस देश के नौजवानों को कुंठा में धकेलकर उनको आत्महत्या तक करने के लिए प्रेरित करने के लिए रहा है। इसलिए हम आज ये दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम लोग आक्रोशित हैं, हम लोग परेशान हैं कि इस देश का नौजवान, जो इस देश के भविष्य का कर्णधार है, इस देश का भविष्य है, वो आज सड़क पर डिग्रियां लेकर के पकौड़े तलता हुआ बेरोजगार घूम रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी को अपने जन्मदिन के अवसर पर इस बात का जवाब देना चाहिए कि पूरे देश के अंदर एक माहौल बन पड़ा है बेरोजगारी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। वो बताएं कि देश के बेरोजगार नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था के लिए वो क्या करने वाले हैं, उनके पास क्या प्लान है, किस तरीके से इस देश की में, देश की गर्त में जाती अर्थव्यवस्था को संभालने वाले हैं। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि विजन और सोच की आवश्यकता इन सारी चीजों के लिए होती है। जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें वो विजन की और सोच की कमी है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं स्थितियां बदलेंगी, स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन आज पूरा देश राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहा है, पूरा देश जान रहा है इस देश में रोजगार।